रायचुटी में आपको फाउंडेशन डाल को वो गाली का रखते हैं, सीमेंट तब सीमेंट ना है, चुना रेती डाल को गाली का मिला को, हाँ सही हाल बनी चेयरमैन सर साहब 64-65 में रहता है। अच्छा, एक 8 बरस खुला कर डाली सोख दिवाला ये वाला उठा डाल को कंस्ट्रक्शन करने 8 बरस लगे कतो उनको कैसा होया कतो वो टाइम पो उन बड़ज में चेयरमैन सर साहब मर गा। इनो एक जने में एक जने नहा को खाली दिवाला में उठा डाल को 8 बरस की 9 बरस के खुला कर डाली थिएटर उस टाइम की बात सही दे हाल ओपन होया नहीं सो टाइम पो बात बोलने का मैं గానికి పెట్టి రెండు ఎద్దులు పెట్టి ఇసుక సున్నము సిమే ఇది ఇసుక వేసి రుద్ది ఆ మాదిరి కట్టినాడు. ఎందుకు ఆయనకి ఏమొచ్చిందో ఏమో అప్పుడు ఓన్ బస్ ఉన్నింది ఆయనకు తిరుపతి రాయచిటి వయా సుండుపల్లి కోడూరు రాజంపేట మీదుగా తిరుపతి. అప్పుడు ఆయన ఏ పని చేస్తా ఉన్నాడు ఆ టైం? ఆయన సర్పంచ్. సర్పంచ్ ఆ టైంలో ఆయన చైర్మన్ సైసాబ్ అంటే మంచి పేరు ఉండింది. మన పర్సనల్ కాదు ఆగే నాకు ఫ్రెండ్ సిమ్ బేపర్స్ కదా సాయి తట్టెట్ నేను ఓనర్ నాకు డిస్ట్రిబ్యూటర్ కాదు ఇందులో మీరు ఫ్రెండ్స్ మేము ఉసి పాస్ కామ్ కర 10 ఇయర్స్ 10 ఇయర్స్ కామ్ థియేటర్ నుండి కామ్ తెరే నేను డిస్ట్రిబ్యూటర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కదా పూరా స్వీడన్ మొదలుగా అనంతపురం డిస్ట్రిక్ కర్నూలు డిస్ట్రిక్ బళ్ళారి డిస్ట్రిక్ మొదలుగా మేము బిజినెస్ కదా ఓస్కు లాస్ ఆగే వ్యాపార స్టాప్ కదా इंटरेस्टिंग हमने है वो आगे एक पिक्चर खरीद के खाली ग्रेजुएटी डालना पड़े तो 8-10 लाख वो टाइम पर पिक्चर डालना पड़ेंगे 1 लाख रुपये डालने के कितना बड़ा फिल्म वो टाइम 1 लाख रुपये तो अब्बा 1 करोड़ रुपये में पिक्चर था समझ ना अब्बा पिक्चर तो 50,000-30,000-40,000 अब तुम इंग्लिश पिक्चर डालना पड़े तो 1 लाख-1.5 लाख क्या वास है वो रेट उसका फ्लक्चुएशन सर्टिफिकेशन में तो रेमिशन बड़ा हीरो हीरोइंस का कास्ट में बड़ा का होगा लोकेशंस अदर स्टेट जा करना बाहर डिस सेटिंग डालना भारी टेक्नोलॉजी कैमरा अच्छा रहना ग्राफिक्स आना पहले ग्राफिक्स कहाँ था पिक्चर में फिर आखिर आ गया हैदराबाद मद्रास अब बात हो ऊटी गाने के लिए लोकेशंस अभी लोकेशन सेट डाला बोले तो लोगों से बोला पिक्चर एंड करा देते तो ये भी एक वजह हो सकती है जो रेट बढ़ गया रेट बढ़ने से भी पब्लिक नहीं आती रहेंगे उसकी भी एक वजह रेट तो क्या है अब आदमी के वो टाइम पर इनकम क्या दी है कुली काम करने में इनकम नहीं दी है 150 रुपये 70 रुपये 50 रुपये थी लेबर अब 300 रुपये है ये भी है ना वो टाइम पर क्या था ये चीज़ दाल कितनी थी 20 रुपये था किलो अब दाल कितने 100 रुपये है रेट बढ़ गया रेट बढ़ता है मोटा मोटी रेट 5 रुपये टिकट पिक्चर अब 50 रुपये टिकट 30 रुपये टिकट चलो अब 50-30 रखे तो भी फिर भी पब्लिक नहीं आने की वजह तुम्हें क्या बोलते हैं टीवी 100% टीवी नो डाउट और तुम्हारा चक्कर को नहीं थिएटर अब जो भी दूसरे वो भी उसका भी जो भी अब यहाँ स्टेट में अब सिटी में स्टेट में हाल वो तुम्हें ये भी पूरा काम भी सर्वे करो ये है थोड़े थिएटर चलाना है कि शादी खाने बना दिए ऐसे से ऐसे सेंटर थिएटर है ना और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया टेंशन नहीं ये पेपर वगैरह 5 लाख मिनिमम मैंडेट के दाम एक पिक्चर चल गया
पांच हजार चले गए, पतला पतला करना किसी ने ऐसा कोच फोड़ के काम काम नहीं चला था। मेरा आधे में रेंट हो, मैंने रूम के 10,000 बोले थे, 10 रूम आ लाख रुपये आराम से रख ले, टेंशन नहीं। जब पब्लिक आती थी पिक्चर देखने? अच्छा आती थी पब्लिक। कहाँ से आते थे? बाजी खेड़ आइए वो आते थे। खेड़े वाले तो कहाँ से खेड़े ही नहीं, बाजी वो मोटर लगाते समय पर ले गए थे देव पटना ऐसे ही नहीं। हाँ वो वहाँ से आते थे ऐसा सुनने पर ले। हाँ जब मैं आप बाबा ना हम आते यार जब आप लोग थे वैसे तो हम आते थे। किसके कौन से हीरो आगे डाले वो टाइम? इंदिरा होगा के शोर टॉप के कृष्णा के अभी आगे सब आगे जावे मुख्य हम मुख्य का भी जावे ने इन मार्शल लोग पर पट्टी है से बंदा तुम्हारा बात आने के 25 बोला था वो। तुम ना कैसा मालूम हुआ ये थिएटर बंद हुआ घर का? बोंगा का सामान हुआ, बोंगा ही हुई। हाँ दरगाह के पास गया था। हाँ गया दरगाह के पास गया था। अच्छा वो सही हो ऐसा मल्लेला सिलेंडर लगा के मल्लेला बोलता है। हाँ उधर जाको उधर सीढ़ी को गुंडागल जाको गुंडागल से एलआरटी जाको एलआरटी से कैनगुंडे काको कैनगुंडे से अरे वहाँ देखे तो ठेठ हम बंद। तो ओनर से भी जाकर पूछे नहीं कि क्या वास्ते थिएटर बंद करे घर को? मैं पूछा नहीं उसके पास फिर वो बंद हुआ ना वो चलाया ना उसके पास फिर मैं फिर उसके बाद क्या करे? क्या बेकार था बेकार को ये थिएटर ओपन होता बोल को जेसी के नहीं हमारा बच्चा है। जेसी क्या हो? जैन कलेक्टर के पास रिश्तेदार है मिसाली का बेटा। हाँ तूने ये सत्ता हुई सिद्धार्थ कर को पियर तू रखने को है। मैं आप बात करते तो क्या करती हूँ तुम्हें कहते हो कुछ करता हूँ जब तक कुछ करता हूँ आप रखते हो 25 साल की सर्विस मेरी थिएटर के अंदर सईदिया पिक्चर पैलेस के अंदर। उसके बाद मेरे को एक 15 साल के बाद ये कुछ स्वामी राज थिएटर जब वही पार्टनर रहा इसमें पार्टनर रहा आपको दो जने पार्टनर रहा एक जलायर साहब एक लेक्चर सगावत उनका दो जने का हिस्सा हो एक आगो लेक्चर आको कदम में करते थे इन लायर साहब आको कदम में करते थे उनके बच्चे अब चलाते हैं अब सही दिया खड़ कर डाली अब वो सोनी राज चलता है सोनी राज आको दूसरा जल्द सब का लतीफ साहब को क्या भी नहीं इसमें अब वर्कर है सो है वर्कर मैं बोला ना पहले मैं चलाने के टाइम को मेरे पास वो चार गेट वाले थे चार तीन जने गेट वाले एक वॉचमैन हो दो ऑपरेटर हैं अब मैं जी चलाते थे वो सही दिया में भी वही सब था अब सही दिया गया अगर तो उनको ना बनावा ठोको खड़ो कर सही दिया पिक्चर का अब वो सोनी राजा को उनको सेपरेट कर ले को उन्होंने सेपरेट कर लिया उनका हिस्सा भी उधर है। अच्छा इन्होंने सोनी राज कैसा बन लेंगे वैसा उधर भी बन लेना है उनका हिस्सा उधर दिया ली उन्हें थिएटर तू भी बन लो क्या भी बन लो कॉम्प्लेक्स के ऊपर बन लेना तले नहीं बनना ऐसा उन्होंने कल्ले को यह कल्ले को डिवाइड कर लिया। हाँ नौकरी कैसा लगी हजरत? नहीं बच्चों ने से उधर ही था उनके पास रहा पढ़ने में कहा छोड़ डाल को उधर जाकर उनके पास ही जो बच्चों ने से टिका उन आने आने को इम्प्रूव कर लेते हैं भी है तो कौन जलिन साहब लायर उन्होंने लेक्चर है ना उनको हमको संबंध नहीं ये सईदिया पिक्चर पहले 3 बरस फ्रीड जलती रही है फ्रीड जलने टाइम को 3 साल जलिन साहब 3 साल लेक्चर लतीफ साहब उनके उनके फील्ड में हमें नहीं। अब तुम्हें जलील साहब के अंडर काम कर रहे थे और जब 3 साल काम नहीं करते थे जब क्या करते थे? यही धंधा बाजू का धंधा यज कर लेते थे बाजू खेड़ा में खिला लेते वो 3 साल की उम्र घटा लेते थे अब फिर को 3 साल के बाद फिर को हमें हमारा स्टाफ हमारा उनका स्टाफ उनका ₹4
टिकट आज 50 रुपये से करना है, अब वैसे दूसरा आपको जो पेट्रोल वाला था 50 रुपीज़ सबको देने वाला भी ना। अब इसकी हालत क्या जो बंद है वो बंद करना माइंड सेट आना हमारा माइंड सेट तो बोले नहीं मेरा बड़ा तो बाद कमेंट नया तो होने का काम नहीं ना सब मिल के माइंड सेट में ओपन करना है तो ओपन होएगा नहीं ओपन एक दिन ओपन करना होगा ये नहीं मेरे पास पैसे नहीं पता नहीं कहीं वो डिबेट करना होगा ऐसा कर माइंड आप सेट में सबके माइंड में आया तो जो होएगा। तुम्हारा पर्सनल ओपिनियन क्या है थिएटर ओपन ओपन होना कि नहीं होना? ఇనపల్ల ఎందుకు ఇప్పుడు పోయి మాట్లాడలేదా అంతా ఇప్పుడే వచ్చిన ఏందో మాట్లాడి వినపడుతూ ఏమిలే నా ఎక్స్పీరియన్స్లో నేను సంపాదించింది ఏమిలే ఆపరేటర్ పనిలో ఏమంటే నా భార్య అది చేసుకున్న తర్వాత ఏనుగులు పెట్టుకొని ఈ ఆపరేటర్ అన్నోడు ప్రతి ఒక్కడు సంపాదించినోడు ఎవడు లేడు ఎవడో రేర్ ఆపరేటర్ అన్నోడు ప్రతి ఒక్కడు తాగుడు తాగేవాడే అలవాటు పడేవాడే ఎందుకు కానీ ఫోర్సెస్ చేయాలంటే నిలబడాల మనం కూర్చుండేదా ఇప్పుడు ఈఎఫ్ అంటే ఆన్ చేసేసాం యాడున్నా ఇంటర్వెల్కి అది ఆఫ్ అయిపోతుంది కరెంట్ పోతేనే మనం పోల్సింది ఆ కాలంలో అట్లలే లైటింగ్ ఆగిపోతే నీ పిల్ల అందంగా నీ అమ్మందిగా నీ అల్లిందిగా నీ అకందిగా అంటారు కానీ ప్రొజెక్టర్ కాడనే ఉండాలి మనం కనీసం కట్ అయినా ఇంటర్మీడియట్ ప్రాజెక్టుకు రీల్ చుట్టుకుందంటే అసెంబ్లీ పూరా స్ట్రక్ అయిపోతుంది వేలు అవుతుంది అప్పుడు అసెంబ్లీ స్ట్రక్ అయిపోయిందండి వీళ్ళు ఓనర్లు ఏం చెప్తారో ఏమనే భయంతో ప్రొజెక్టర్ కాడ నుంచి నిలబడే ఉండాలి ఫోర్సెస్ కల్లేదానికిలే ఇంకయ్య కూడా నా అసిస్టెంట్లు నేర్చుకునేవాడు ఉంటే లేకుంటే ఇంటర్వెల్లో ఒంటికి పోవాలి మళ్ళీ రావాలి నేను ఒక 20 ఇయర్స్ సింగిల్ చేసిన ఫోర్సెస్ పద్దెనే 10కి పోతే నా భార్య ప్రెగ్నెంట్గా ఉంటే కూడా ఈడ మాయమ్మ సరిగ్గా పెట్టదని సెకండ్ షోకు సినిమాకి రమ్మనేది హోటల్ నుంచి తెప్పించి పెడతాను అట్లా నా సినిమా చేసి दो बच्चा लोग घर की जगह जगह करया तीन में बच्ची का को भांजक करया भांजक और चार बच्ची को तो हाँ मगले को पैसे अभी बाकी है कितना खर्चा कितना है बल्ला का खर्चा से जोड़ो की 20,000 दिए हैं तो तीन बोले कि अभी अभी चलता है यहाँ अभी लेते हैं जोड़े के पैसे सो भी हैं गाँव में तो क्या वास्ते हो ऐसा वजह क्या लेने की लेते सोचो जोड़े पैसे लिए तो कुल करता है छुपे कर लेने को आते वो टाइम कनेक्शन आप दे सकते मिले आ सकते हैं अंदर दे सकते मिले 10 रुपये टिकट में आगे 300 आदमी 400 आदमी शो 30 रुपये टिकट 20 रुपये टिकट देखे तो भी है 800-1,000 रुपये वो सीट जो है खोड़े के निकल देते आपको अरे पीछे जहाँ ख्वाहिश अब सब लाफिश में आ गया इसमें जनरेशन जो बढ़ता है लाफिश आ गया ए सी होना डी टी एस होना क्लैरिटी होना सैटेलाइट होना रील ज़्यादा नहीं देखते आप सैटेलाइट होना क्लैरिटी होना फर्नीचर अच्छा होना ए सी होना डी टी एस होना साउंड सिस्टम अच्छा होना आदमी लाफिश आ गया जनरेशन बढ़ता रहा जो टेक्नोलॉजी बढ़ता है ये बढ़ता हमें नहीं बोलते तुम्हें बोलते पब्लिक को पब्लिक बोलते अच्छा पब्लिक बोलती है अच्छा हमें बोले क्या हमें ये धंधे में डुबो निकले सवाल जी 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 मैं बोलता ना 20 साल 25 साल है तो डुबो निकले ना दी नहीं बोलते
जिस तरह पब्लिक बोलता है अब तू मिगेज क्या बोलता है रस्सी मिल पर कही कर रहे अच्छा नहीं देती है अब हमारा धंधा हम तुम्हें कैसा लगता था जब कौन को ब्याह को वो धंधे में पैदा हुई वो धंधा हमको मालूम हो दूसरा धंधा हमें कर सकते नहीं अच्छा समझो लारी ड्राइवर है ड्राइवर काम नीच करता है ना दूसरा काम करने को नहीं आया మనకు కోట్లు వద్దు లక్షలు వద్దు వేలు వద్దు టయానికి ఇంత దేవుడు ఇచ్చేస్తారు.